बीएसके टीवी दा तारमक पराला तो लगी को बना जा बहन यार चाल गजराज गजराज जो है ना पत हस्ती है मासों के चल रहा सीता भी चाल ओ साथी वर्गी सी ओ हाथी कहना मेरी चाल ले दिल दिया की जा बंडी में तू आ भी चाल ले जा को बना जा बहन यार चाल गजराज गजराज सीता भी चाल मृगराज काट मृगराज का उन्हें शेर काट माने लग ओ आगे शेर जैसा थी तो शेर चला के ले गया कदली जा जंग रंग जोत को अनंग हंस कदली केले जैसे जंगा सी वो केले ने चरा लिया अनंग काम ते इता वर्गे दे अंग सी पैर हंसा वर्गे सी उन्होंने चरा ले कहे रघु भाई शब जानकी चराई सोई जानकी को मार पाई ते ही बात लै गए जानकी कोई वस्तु नहीं सी वो पहनिया चीजा कठिया हुई सी आपा दो में परे हो गए तो आपको अपनी चीजा वंट के लै गए लक्ष्मण संग पूछे कमल कदम कहूं देखी सी या कानन तरकुली कनक की भगवान नाल रोंदे फिरदे बन के फिरदे लक्ष्मण संग पूछे कमल कदम कहूं कमलां कदम वृक्षन पूछदा देखी सी या कानन तरकुली कनक की तरकुली माने वेल स्वर्ण स्वर्ण नाम कनक माने स्वर्ण तरकुली माने वेल जिवें सोने दी वेल हुंदी आई सी हमारी सीता ओ कदम वृक्ष उपदे जांदी देखी होवे लक्ष्मण संग पूछे कमल कदम कहूं देखी सी या कानन कानन माने बन तरकुली कल्प की चंद मुखी पिक बहनी सुंदर कुरंग नैनी कदली जा जंग कट केहर तनक की श्री फल अरोज ते मनोज दिया वारो शब देहे यही केस भवा उपमा तनक की केत की चिंबेली राय बेल है अकेली को संगना सहेली देखी जानकी जनक की केत की चिंबेली राय उन्होंने भगवान पूछ रहे हैं कि मेरी सीता निकले जानकी देखी फिर की कहा बन के कुरंग में हमारी सी कि तुम नहीं कदे देखी चंपक बार न कहूं देखी तू चंपक कुदंब बने आ जब जानकी बताए दे चंबे के फुला कहता है चंप के जैसे तुम्हारा बन है वैसे हमारी सीता का कितने तुसी ना देखी वो एडे दुखी होए रोंदे फिर दे तू ना दी इसकी सलोचना कहती तू चला के रह परिवार के में वसु वा सुखी जन को दुलारी तेने करिए दुखी मार देना तेनों तुसा दे गुरूर ने गुरूर माने हंकार तेरे हंकार ने तेनू मार देना दस दस कुमार ਉਸਾਂ ਦੇ ਸਤਾਏ ਸੀ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰਾ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਆਏ ਸੀ ਅੰਗਦ ਭੇਜਿਆ ਮਹਾਵੀਰ ਜੀ ਵੀ ਆਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਧੀ ਕਰ ਲਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੀਤਾ ਮੋੜਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਤੂੰ ਸਮਝਿਆ ਤੈਥੋਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਕਹਾਣੀ ਨਿਬੜੀ ਭੁਜਾ ਚੱਕ ਵੇਖ ਕੇ ਲਹੂ ਦੀ ਨਿਬੜੀ ਤੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਿਬੜੀ ਆ ਚੱਕ ਲਾ ਬਾਂ ਤੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਕਰੀਆਂ ਚੜਾਈਆਂ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਰਾ ਨੇਤਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਕਤੀ ਚਲੀ ਗਈ ਮੇਘਨਾਥ ਜੀ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਨਰ ਲੜਾ ਕੇ ਤਿੱਖੀਆਂ ਜਵਾੜੀਆਂ ਪੱਟ ਪੱਟ ਲਿਆਉਂਦੇ ਜੰਗਲੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝੀ ਬੈਠਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਪੱਕੇ ਮਾਰ ਜਾਂਗੇ ਐਂ ਕਰ ਜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਹਾੜ ਪਰ ਪੜ ਕੇ ਬਾਨਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਪੈ ਗਿਆ ਐਟਮ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਸਿੱਟ ਦੇਣਗੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਫੇਰ ਦੇਣਗੇ ਤੇਰੀ ਸੈਨਾ ਰਾਮ ਪਾਸ ਸੀਤਾ ਹੈ ਹਮਾਰੇ ਪਤੀ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਦੁਆਲਿਆ ਹੋ ਜੇ ਕਾਜ ਸਤੀ ਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਦਾ ਗੁਣਾ ਸੀ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹਮਾਰੇ ਪਤੀ ਦਾ ਸਿਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਕੋਲ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਤੂੰ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰ ਦੁਆਲਿਆ ਮੈਂ ਸਤਵੰਤੀ ਹੈ ਪੂਜਾ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਹੈ ਮੈਂ ਸਤੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਰਾਵਣ ਬੋਲਿਆ ਸਤੀ ਸਲੋਚਨਾ मैं ऐसा कुछ दिन शूर भी नहीं कि मैं उस जाके दुश्मन की शरण फड़ा कि हमारे मुंडे का सिर तुम्हारे पास आ गया ए मैनू दे दे वैसा तो मैं है नहीं मैं नहीं उन्हें शूर मैं नहीं बैठा एक लक्ष्मण मूर्छाई नाली पता ही कहते जगतपति त्रिलोकी नाथ अभी राजी कर लूगा भूख राधी भरा देते बैठा क्या शूर भी रहा युद्ध में लड़ता रोंदा क्यों सी योदा कहना जिस दे उदासी दिल में वो शूर मैं कहना जिस जिस उदासी भी तू कहनी है रिछ है वो आए हैं मैं उदे जुंडे पट दू हमारे पास चंद हांस तलवार है मैं बन रहा रिछा दे पैर हाथ पैर बढ़ के पिछा नु मोड़ दी ते जवाब रोजना नु जवाब करदा देखा भला कह सी भला लंका पद कहने लगा मैं गिनती दा वीरा राम शरण जाना नहीं मिट जे पामा शरीरा कुमार मर गया हमारा गया इथे मेघनाथ किस दा बचारा गया सारे सागरा दे विच जांदा दिल मैं जोदा गादा जिस दे उदासी दिल मैं हर वेले रखदा विछोणा पुंजे दा याद है हमारे जाप मर तुंजे दा बाला नाल लाऊंगा शरीर छिल मैं जोदा गादा जिस दे उदासी दिल मैं ओ बाण मार रख रोक दिया अर्क दा रोक दिया अर्क दा
ਮੈਥੋਂ ਬਹਿਮੰਡ ਸਾਰਾ ਹੀ ਥਰਕਦਾ ਵਾ ਮੋਖੀਆਂ ਨਾ ਲਾਉਂਗਾ ਗਲੇ ਜੇ ਸਿਲ ਮੈਂ ਯੋਦਾ ਕਾਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਉਹ ਦਾਸੀ ਦਿਲ ਮੈਂ ਉਹ ਲੰਕਾ ਨੇੜੋ ਗੈਰ ਤੇ ਫਕੀਰ ਸਾਈ ਮੈਂ ਸ਼ੂਰਮਿਆਂ ਨਾ ਲੜਦਾ ਪਤਾਣ ਤਾਈ ਮੈਂ ਪੈਂਦਾ ਬਨ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਿੱਲ ਮੈਂ ਯੋਦਾ ਕਾਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਉਹ ਦਾਸੀ ਦਿਲ ਮੈਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਜੁੜ ਗਏ ਤਪੱਸੀ ਦੇ ਵੇਖੀ ਤੂੰ ਤੜਫ ਦਾ ਸਮਾਨ ਮੱਛੀ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਪਛਾਣੀ ਲੜਨੇ ਨੂੰ ਕਿਲ ਮੈਂ ਯੋਦਾ ਕਾਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਉਹ ਦਾਸੀ ਦਿਲ ਮੈਂ ਹੋਇਆ ਨੀ ਪਤਾ ਕੀ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਹੈ ਮੰਦੀ ਤਕਦੀਰ ਹੈ ਮੰਦੀ ਪਰ ਲੜੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਦੇ ਹੋਣੀ ਨਾ ਸੰਦੀ ਮੰਨਦਾ ਨੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਨਿਲ ਮੈਂ ਯੋਦਾ ਕਾਦਾ ਜਿਸ ਨੇ ਉਹ ਦਾਸੀ ਦਿਲ ਮੈਂ ਹੱਥ ਪੈਰ ਵੱਟ ਕੇ ਬਣਾ ਦੂੰ ਮੈਂ ਟੁੰਡੇ ਅੱਜ ਪੱਟੂ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਰਿੱਛ ਦੇ ਜੁੰਡੇ ਦਾ ਪਛਾਣੀ ਲੜਨੇ ਨੂੰ ਕਿਲ ਮੈਂ ਯੋਦਾ ਕਾਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਉਹ ਦਾਸੀ ਦਿਲ ਮੈਂ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਆਖੜਿਆ ਕਹਾਮ ਦਾ ਜਤੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੱਟ ਨੂੰ ਜੋ ਦੀਵੇ ਦੀ ਬੱਤੀ ਬਾਲਾ ਨਾਲ ਪੁੰਨੂ ਜੋ ਪੱਠੀ ਦੀ ਖਿਲ ਮੈਂ ਯੋਦਾ ਕਾਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਉਹ ਦਾਸੀ ਦਿਲ ਮੈਂ ਬਾਨਵਾ ਦੀ ਦੱਸੇ ਕੀ ਸਿਫਤ ਕਰਕੇ ਮੈਥੋਂ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ ਤਮਾਮ ਡਰ ਕੇ ਤੂੰ ਚੱਕਣੇ ਨੂੰ ਆਸਮਾਨੀ ਇਲ ਮੈਂ ਯੋਦਾ ਕਾਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਉਹ ਦਾਸੀ ਦਿਲ ਮੈਂ ਉਤਰ ਕੇ ਰੁੱਖਾਂ ਤੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਪਾੜ ਦੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਪਾੜ ਦੇ ਫਿਰ ਦੇ ਹਮਾਰੇ ਚਮਨ ਉਜਾੜ ਦੇ ਸੋਫਲਾ ਖਾਤਾ ਦੇ ਬਣਾ ਦੂੰ ਬਿੱਲ ਮੈਂ ਯੋਦਾ ਕਾਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਉਹ ਦਾਸੀ ਦਿਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਪੀ ਲੰਕਾ ਨੂੰ ਜਲਾ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਰੋ ਦੇ ਆ ਗਿਆ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਰਨੀ ਨੀ ਟਿੱਲ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਨੀ ਨੀ ਟਿੱਲ ਮੈਂ ਯੋਦਾ ਕਾਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਉਹ ਦਾਸੀ ਦਿਲ ਮੈਂ ਸਰਲੋਚਨਾ ਤੂੰ ਹਮਾਰੇ ਦਰਬਾਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਸੀ ਮੈਂ ਮਹਾਂਸ਼ੂਰਵੀਰ ਸੀ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ ਮਰ ਗਿਆ ਹਮਾਰਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਮੇਘਨਾਥ ਕਿਸ ਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਹੈ ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ ਨਿਰੰਤ ਕਾਦੀ ਹਮਾਰੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੁੱਤਰ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਕਿਆ ਮੇਘਨਾਥ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਰੇ ਸਾਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਖਿਲ ਮੈਂ ਯੋਧਾ ਕਾਹਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਉਦਾਸੀ ਦਿਲ ਮੈਂ ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰੱਖਦਾ ਵਿਛਾਉਣਾ ਪੁੰਜੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਘਾਹ ਤੇ ਤਪੜੀ ਵਿਛਾਲੀ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵਿਛਾਲੀ ਉਹ ਲੜੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਹੈ ਹਮਾਰੇ ਜਾਪ ਮਰਤੁੰਜੇ ਦਾ ਸ਼ੰਕਰ ਜੀ ਹਮਾਰੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮਰਤੁੰਜਾ ਜਪਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਜਾ ਕਰੀ ਹੋਈ ਹਮਾਰੀ ਨਾਭੀ ਕੇ ਨੀਚੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਲੜੂ ਬਾਣ ਮਾਰ ਰਥ ਰੋਕਦਿਆ ਅਰਕ ਦਾ ਅਰਕ ਨਾਮ ਵੀ ਸੂਰਜ ਕਾ ਹੈ ਵਿਪਾਸ ਨਾਮ ਵੀ ਸੂਰਜ ਕਾ ਹੈ ਰਵੀ ਨਾਮ ਵੀ ਸੂਰਜ ਕਾ ਹੈ ਭਾਨੂ ਨਾਮ ਵੀ ਸੂਰਜ ਕਾ ਹੈ ਅਰਜਮਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸੂਰਜ ਕਾ ਹੈ ਅੰਸਮਾਲੀ ਨਾਮ ਵੀ ਸੂਰਜ ਕਾ ਹੈ ਸ਼ਮਸ਼ਤਰੇਜ ਨਾਮ ਵੀ ਸੂਰਜ ਕਾ ਹੈ ਅਰਕ ਨਾਮ ਵੀ ਸੂਰਜ ਕਾ ਤੂੰ ਸੂਰਜ ਕੇ ਬੜੇ ਨਾਮ ਅਮਰਕੋਸ਼ ਮੈਂ ਵਰਣਨ ਕਰੇ ਬਾਣ ਮਾਰ ਰਥ ਰੋਕਦਿਆ ਅਰਕ ਦਾ ਮੈਥੋਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਰਕਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਬਾਣ ਮਾਰਾ ਸੂਰਜ ਦਾ ਰਥ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਸਰਕਦਾ ਹੈ ਲੰਕਾ ਨੇੜਿਓਂ ਗਹਿਰ ਤੇ ਫਕੀਰ ਸਾਈ ਮੈਂ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜਾ ਤੱਪਾ ਜਿਹਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਈ ਜੇ ਫਕੀਰ ਜੇ ਲੰਕਾ ਦੇ ਨਾਲੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਇਹ ਮੈਂ ਗਹਿਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਕਤ ਮੈਂ ਪੱਛ ਲਿਆ ਉਹ ਹੀ ਰਕਤ ਦੀ ਸੀਤਾ ਬਣੀ ਨਾ ਉਹਨੇ ਰਾਵਣ ਨੇ ਪਾ ਕੇ ਕੁੱਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਕਤ ਜਾ ਕੇ ਜਨਕਦੀ ਜੂਹੇ ਦੱਬਤੀ ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਾਲ ਫਿਰ ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੂੰ ਰਾਣੀ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਸੁਨੈਣਾ ਜਾਵੇ ਤੂੰ ਹਲ ਜੋੜੇ ਤਾਂ ਜਨਕ ਨੇ ਪ੍ਰਜਾ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹਲ ਜੋੜਿਆ ਉਹ ਚੌਦੇ ਨਾਲ ਮੜਕਣਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਨਾਮ ਹੈ ਚੌਦਾ ਜਦੋਂ ਲੜਕਾ ਉਹ ਮੜਕਣਾ ਨਿਕਲਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਲੜਕੀ ਨਿਕਲੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸਕਾ ਨਾਮ ਜਨਕ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਆ ਰੱਖੀਏ ਲੜਕੀ ਦਾ ਜੋਤਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾਮ ਚੌਕ ਹੈ ਸਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਇਸਕਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸੀ ਆ ਰੱਖ ਲਈ ਉਹ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਾਰਦ ਹੋਈ ਖੜੀ ਆ ਉਸ ਉੱਤੇ ਲੰਕਾ ਨੇੜੇ ਗਹਿਰ ਤੇ ਫਕੀਰ ਸਾਈ ਮੈਂ ਸ਼ੂਰਮਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਪਤਾਲ ਤਾਈ ਮੈਂ ਬਨ ਵਿੱਚ ਮਾਰਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਿੱਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਭਿੱਲ ਦਹਿਰ ਸੀ ਬੜੇ ਮੈਂ ਫੂਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਜੁੜ ਗਏ ਤਪੱਸੀ ਦੇ ਵੇਖੀ ਤੂੰ ਤੜਫਦਾ ਸਮਾਨ ਮੱਛੀ ਦੇ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਅਜੇ ਉਸਦਾ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੇ ਇੱਕ ਬਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੜਫਣ ਨਾਲ ਲਾਤਾ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਰਾਵਣ ਨਾਲ ਲਈ ਹੱਥ ਪੈਰ ਵੱਢ ਕੇ ਬਲਾਦ ਮੈਂ ਟੁੰਡੇ ਅੱਜ ਪੱਟੂ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਰਿੱਛ ਦੇ ਜੁੰਡੇ
करावन नहीं तोड़ दू बना के ले लू मैं और रिछ नू तो मैं की छना मैं अज ही चंद्र हाथ सलवार हमारे पास हाथ वढ़ दू पैर वढ़ दू जिन्ने बंदरा मैं कट्ठे कर करके उन्होंने पैर हथ पर वढ़ दू क्या शक्ति बंदरा में पिछाहा मोड़ दू बंदर की दसे की सिफत करके मैं इतो भज जाएंगे तमाम लड़के चूहे चकने आसमानी इल जिमें इल आके चूहा चके ली ए बंदर मैं चकू फिर हमारे चमन उजाड़ दे चढ़ के रुखा से चंगे चंगे मार दे दरख्तों से चढ़ के चंगे चंगे फल खाते फिर पिछों फलां खाद्या के बना दू बिल मैं ये मैं साफ करी ना मेरे मुनीम साफ कर दे भी बंदर कितने बाग उजाड़ते कितने फल खा गए जो साड़ी सुलह हुई है बिल रखे जाएंगे राम दे पूरे भी इतनी पहला माया दे तेरे इन्हों कोई मनीष लिया या इन्होंने वास्ते कोई रस लिया ये लड़ा साढ़े ना लड़ते हैं नाले साढ़े बाग जाड़ी जाते ये कोई नीति है एक आके एक भी लंका जला गया मेरे चित विच जे क्रोध आ गया अकबाल सिंह कर नहीं ढिल मैं एक कपी बानर मेरी लंका फूक गया वह मैं जो सुपने च भी याद आ जे मैनू नींद नहीं आती पर की है कि मैनू जे गर्मी आ गई फिर मैं उसनू नहीं छड़ना वह आदि तू उन्हां रिछां दे हथ पैर वढ़दी या चंद्रहांस तलवार नाल उन्हां दे गल वढ़दी या उन्हां नू फूकदी पर हमारा ताकार जे है हमारे साथ जाके मेरे पति का सिर दुआ के लिया रावण ने कहा मैं ता बेटी जामना ना राम दी शरण किते आऊगी खुंद कोते देख के कपीस नू ओ काली कीती लंका उन्हें फेर के छपेरे पूछ कपी चमला गया ते चला गया पुठी रीस नू बानरा नू देख के ते सरदा हमारा दिल दर्दे ना पूरा ते करन तीस तीस नू उथे आ भविष्ण हमारा भाई राम साथ उन्हू जाके आखदी दुआ दू तुझे शीस नू मैं नहीं उथे जाना ओ कपीश कपियों का ईश उथे फिरदा होना ओनू वेख के मैनू खुंद काजू उन्हें सारे बानर ने धड़क करते भी रावण कुछ नहीं कर सकता मैं उदी लंका फूक आया जे कि बानर आसे पासे मैनू टक्कर दे है वह बूठे कड़ करके मैनू टीस टीस कर दे मैनू नाराजगी कर दे मेरी मैं नहीं उथे जाना हमारा प्राप्त भीक्षण उस राम के साथ है वह भगवान की मर्यादा पुरुषोत्तम है मर्यादा पुरुषोत्तम पुरुषों में उत्तम मर्यादा मर्यादा नहीं वह भंग कर दे उन्हों को आखनी वीक्षण कह दूगा कुछ आप ही मर्यादा पुरशोत मैं तेन सिर मिल जाऊ पर बेटी मैं उस राम की शरणी जाना तो सतवंती सती हुई सताई हुई चलो मेरा सका का मैं सती होना चलो राजगिरी लग लग जान दो योगना की तरह जुंडे खुले गल के केस पेंदे रोंदी हुई बांह जड़ी वो कंधे नाल लाई हुई या वेंदी आके रावण दे दरबार चो चली जिथे कंप लगे है पांडवों की सेना दे भगवान श्री रामचंद्र जी दे सती सरलोचना उधरले पासे नूं बांदरां दी सेना दे वल्ली जा रही है रुदन करदी देखां भला कह दिया रावण ने जद कह दिया लई आ गया मंगाना राम दलाले तरफ जी होगी तुर तर मंगाना लिखता है जिमें ओवे पैंदा भोगना रावण दे दलां जामन दी योगना चल जू चिखा दे नाल प्राण पाती दे अखदाना फुल जैसे पमरे बिना देखी हो रे औरत न हमरे बिना जित इंद्र आसमान पाती दे चल जूच खाते नाल प्राण पाती दे पति नाल लग जे शरीर बाम दा एक एक श्वास नंग दे हराम दा बड़ी सिंह मारी संग शान पाती दे चल जूच खाते नाल प्राण पाती दे उजड़ूगी लंका शूर में ना रहनगे शूर में ना रहनगे ऋषि मुनि सुख दा सुहास लैन गे तंग रह गए पत्थियां च बाण पाती दे चल जूच खाते नाल प्राण पाती दे आपे भगवान होणगे सहाई है जामदी मैं जिथे ओ सवा पराई है अंग संग रहन भगवान पाती दे चल जूच खाते नाल प्राण पाती दे आ गया है उत्ते कोई हार दा समा
कोई महापुरुष विचार द समे पाए गूंज दे मकान पाती दे चाली जूच खाते नाल प्राण पाती दे ओ दुनिया ते पा जावे पारा वार ना इथे कोई आउंदा फिर अथे यार ना छन विच खोते अपमान पाती दे चाली जूच खाते नाल प्राण पाती दे ओ जिमे बाण मारे बन के सिस्त नू बन के मेले जे जे सीस ले जा मैं पिस्तनू अंग संग रहन भगवान पाती दे ओ भगवान पाती दे चढ़ जू दिखाते नाल प्राण पाती दे ए होई जाप करती तुरी जांदी है के हमारा जिहड़ा शरीर है ए ता हमारे पति नाल ही सती हो जू के ए बदरेक है ना जिहड़ा दिल दे पे बदलदा है ओ बाणी एहो पढ़दी है चढ़ जू चिखाते नाल प्राण पाती दे पर ए दसीस दिती रावण दी लंका नू उजड़ूगी लंका शूर मेना रहन गए ऋषि मुनि सुख दा स्वास लैन गए पिताजी तुम्हारी लंका उजड़ जाएगी ऋषिया मुनिया दा श्राप है ऋषि मुनि तुम्हारे कैद में तड़फदे जा ऋषि मुनि फिर ही सुख दा स्वास लैन गए जब तक तुम्हारी लंका उजड़दी नहीं ये साप देगी मेघनाथ की स्तुति कर दी जाती है आ गया है उत्ते कोई हार का समा कोई महापुरुष विचार का समा समा कोई ऐसा होना बड़े बड़े बली बड़े बड़े गुणी कोई ऐसा समा होना उन्होंने नाराजगी हो जानी किसे किसे जो डके नहीं जानता वो उल्फत हो जानी ये समय अनुसार है कोई हार का समा मेरे पति ते आ गया इन्हें बड़े मैदान जिते सी पर पांडर रिछे जेड़े हो वेदे यो कौन आ रही आमदी नू देखा जे तो फौज दे कमांडर ने किस दी जनानी है दी करिए पछाण की जां तां इह लटकी है किन्नरां गुनरवां दी कैसी है शकल तेजी बंद करे पान की सीस उत्ते खुले केस पैम दे गले दे विच आमदी दलां नू सिद्धी बात आया हैरान की ओ मेघ दे मरे तो ज्यादा हो गया लंकेश टिल्ला आ गया करन सुला लियाया संग जान की फौज दे कमांडर ने देखिया भी किसकी लड़की किन्नरां दी है या गुंधरवां दी है या यक्षां दी है इस दी जिहड़ी शक्ल दी तेजी है ये पहान सूरी दी तेजी नू मध्यम कर दी है जां तां इह लड़की है किन्नरां गुंधरवां दी कैसी है शक्ल तेजी बंद करे पहान की सीस उत्ते खुले केस पैम दे गले दे विच पर जे किन्नरां गुंधरवां दी लड़की दी कोई शिंगार हुंदा इहदे खुले केस है गल च पै रहे आम दी दलां नू सीधी बात है हैरान की इह अपने दलां नू सीधी आउंदी है मेरी तो समझ मेघ दे मरे तो ज्यादा हो गया लंकेश टिल्ला बानर सिपा सलावदास ने गल कर दे मेघ ओदा बड़ा बानी कारक पुत्र सी बड़ा शूरवीर सी ओ मर चुका ओदे मरे तो रावण टिल्ला हो गया मेरी समझ दे विच जानकी रावण मगर आ रहा है ये जानकी नू लई आउंदा सुलह करन वास्ते आ रही है सरलोचना उहनां नू शक पैंदा कि सीता नू रावण लई आउंदा तां फिर सरलोचना की वेंदी है देख दिए कपीर अपी बैठे अल साजरा दे सावन महीने जैसे वर्षा दा जल वृक्षां ते चढ़े खड़े दिसदे आन वांगू खागे पत्ते सूत के बचन कैसे फल है पृथ्वी मर्त पार नक्शा कुपारना है देख के थकत निगाह ऐसा पारी दल है श्याम राजा रंग विच बैठे त्रिलोकी नाथ जैसे जल निद में खिल कमल है देख दी है कपी रपी बैठे ऐसे साचरा में दुश्मन कपिया बांधन जी देख दी है कपी रपी बैठे हैं साचरा के सावन महीने जैसे वर्षा का जल है वृक्षा के कड़े खड़े दिसरे अहन वगू खागे पत्ते सूत के बचन कैसे फल है बार मर दे जैसे आन दे टिड्डे बैठे बानर चढ़े बैठे है जिधर निगाह मार दी है जिम्मे क्रीरा नु बाटा लगे होंगे लाल लाल रंग दे बानर बैठे दर्शां ते चढ़े खड़े दिसदे आहन वांगू खा गए पत्ते सूत के बचन कैसे फल है पृथ्वी मर्त पार नक्शा कपार दा है पृथ्वी पार मरदी बानर कपार माने समुद्र एक समुद्र का नक्शा बनया कि जैसे श्रावण के महीने लाल लाल रंग का पानी होंगे समुद्र वो लाल लाल रंग दे बानर दूर दूर तक बैठे जाने एक पानी की तरह बानर बैठे श्याम राजा रंग विच बैठे त्रिलोकी नाथ जैसे जल निध में खिड़ते जो कमल है बानर तो जानी पानी का नक्शा समुद्र दे दा लाल
शामरे रंग दे भगवान राम जिवें नीले कमल होंगे समुद्र दे विच सैना दे विच बैठे जैसे जल निध जल निध नाम समुद्र का है जैसे जल निध में खिलत जो कमल है भगवान ऐसा थे है सरलोचना आ गई कोले बांह वड्डी हुई आपके पति की खड़ी है प्रणाम करी भगवान ने बेटी तू कौन है क्या तुम्हारा नाम है आ जड़ी पूजा वड्डी हुई ए कीदी है जड़े बानर लंगूर है मेरे तेनू वेखदे आ बेटी आपका नाम बतलाओ आपका देश बतलाओ तू कीदी लड़की है कीदी नूं है किहड़ा तेरा पति है भगवान श्री चंद रामचंद्र जी सरलोचना नूं कहंदे आ देखा भला कैसी राम दला में पहुंच गए बैठे बड़े कपिए शरण पई भगवान दे कहन लगे जगदीशा कहन लगे भगवान सरलोचना साडे ताई की पै गए काम बेटी तेरी पुत्री कौन है पाती तेरा मैनू दस तुम्हारा क्या नाम बेटी ओ तारी फिरे स्वरूप तू जोगना दा तारी फिरे स्वरूप तू जोगना दा केड़े देश में करे बसराम बेटी ओ पूजा लाहू दिल बड़ी पास तेरे कौन बिरस जा तू सादे तंगम बेटी ओ वैन लगे वैन लगे पर नाले जो नैन तेरे तैनू देख दे काफी तमाम बेटी ओ मैं आप वियोग विच दुखी फिरदा रावण लै दिया सादी बांगम बेटी ओ वाक पिता दे वाक पिता दे नाल बनवास कटदा मेरा खास ये अयोध्या है धाम बेटी ओ मैनू दस दे दुख मैं नंगस कर दू मेरा नाम है राम कन श्याम बेटी कहन लगे भगवान सरलोचना नू साडे ताई की पै गया काम बेटी कीदी पुत्री कौन है देश तेरा तेनू दस तुम्हारा क्या नाम बेटी पुत्री तुम्हारा क्या नाम है केड़ा तेरा देश है सारी फिर स्वरूप तू योगना दा केड़े देश में करे बसाम बेटी तू योगना दी तरह तुम्हारे गल दे विच केस पेंदे है केड़ा तेरा देश है उजा लहू दी लिबड़ी पास तेरे कौन बिनस गया तुसां दे ताम बेटी पुत्री आ लहू दी लिबड़ी हुई तेरे कोले बाह खड़ी हुई है बिनस गया मारे कौन तुम्हारे घर दे विच बिनस गया कौन मर गया वैन लगे परनाले जो नैन तेरे तेनु देख दे कपी तमाम बेटी पुत्री पनाले की तरह तुम्हारे नेत्र बह रहे हैं आ जिहड़े मेरे बानर है ये तेरे अन्नी चाकदे है वी ये कौन है मैं ता आप वियोग विच दुखी फिरदा मेरा दुख सुनने वाला होए मैं तो वड्डा होए तो कोई फेर ही सुने बेटा दुखी मैं भी है तू भी दुखी मैं ता आप वियोग विच दुखी फिरदा रौन लै गया असां दी बाम बेटी बाम नाम की है बेटा मैं तेरे तो भी दुखी मेरी इसी बाम की जड़ी रावण चुरा के ले गया वाक पिता दे नाल बनवास कटदा मेरा खास अयोध्या है काम बेटी तू समझी चली मैं तेनू आपकी बंसावली दसी जाना ते मेरे पिता ने मैनू बनवास देता मैं उस वाक दे नाल बनवास करदा करदा बेटी मेरा जिहड़ा पिंड है या पुरी अयोध्या अवधपुरी है मैनू दस दे दुख मैं नाश कर दो मेरा नाम है राम घनश्याम बेटी हमारे द्वारे ते आ गई चल दस तेन की दुख है मैनू राम भी कहंदे ने मैनू घनश्याम भी कहंदे ने घनश्याम जिहड़े बदल होंदे वर्षा दे भरे हुए वैसा हमारा वर्ण हमारा रंग पुत्री दस कौन है सलोचना चरनी हथ ला गए महाराज मेरे को सुनो मैं मेघनाथ की स्त्री है मैं रावण की नौ है मैं शेषनाग की लक्ष्मी है मैं सतवंती है हमारे पति का सिर तुम्हारे पास आ गया है पूजा हमारे पास है वो मैं लैन वास्ते आई है सारी कहानी भगवान की सलोचना सभा च दस रही है देखा वाला महाराज सुनिए जरा मैं शेष कमारा तीस पति दाल मिले
आगे तुम्हारे बहारा ओ पुत्री मैं शेष नाग दी अबला करना दीदी नूहा मैं समझ स्वामी रावण पसादी दी बैठा है विधि कहानी लंका बर्बादी दी नाम परमीला मेरा कहंदे सरलोचन भी तुमरा मैं दर्शन करके आगी दुख मोचन भी ओ तुमरा मैं दर्शन करके ओ तीस जो प्राणपति दंगा तू सादे पांगा सुनाए जानते बे अर्थ स्वामी अमरे सोवांगा सुनाए शबगा है विच दला दे हमारा वे पांगा सुनाए ओ दे विच रल जा जागे ओ दी कारांति मैं आगी है शरण तुम्हारी औरत सतवंती मैं ओ आगी है शरण तुम्हारी मच्छी सम मरू तड़फ के ओदी कड़ी चैन नहीं दुनिया दी नास पवूती वे दे नैन नहीं पिया तो बिना हमारी तब दी एक रैन नहीं लुड़दी है लाश पूमते अतरा नू लाउंदी सी फुल्ला दे वांग सुगंधी पिया चो आउंदी सी ओ फुल्ला दे वांग सुगंधी पै गया है सख्त विछोड़ा हो जीवन दे बेली दा मैं भी सी बूटा भगवान जानो चमेली दा कहानी की जात पात है रखा गया गेली दा जिया रुत्ता दे विचो रुत्ता बसंती मैं आ गई है शरण तुम्हारी औरत सतबंती मैं ओ आ गई है शरण तुम्हारी फेरा पख कराया कीती अविज्ञा है ताने बिना सीस तो करती ते डिग्या है चढ़ना मैं नाल चिखाते मेरी प्रतिज्ञा है एस नू सुर्ग जान दी और कोई जुगती ना होवे ना सती पति से औरत दी मुक्ति ना ओ होवे ना सती पति से ओ मर गया है परता जी दंगा फिर दी जानानी है ऐमे बेअर्थ जाम दी ओ दी पारानी है दुनिया दे उत्ते कोई रह जे नशानी है टूट गया है साज तुमूरा ओ दी सी तंती मैं आ गई है शरण तुम्हारी औरत सतवंती मैं ओ आ गई है शरण तुम्हारी क्या है मौका कैसा पव जलू नगदी मैं मंगती मैं खड़ी दुआए शीस नू मंगदी मैं बैठा बुजुर्ग हमारा ओ देखो संगदी मैं करके ते दर्श तुम्हारा मिटगी सब इच्छा है मंगती मैं खड़ी दुआए पादो हुन पिछया है ओ मंगती मैं खड़ी द्वारे ओ देखू ना गैर पुरुष नू ओ पन्नक दलारी मैं तेरे द्वारे ते आवी दुखा दी मारी मैं तैसो हुन लेके जाना कृष्ण मारारी मैं सज दी ना होर किसे दे मारा बैजंती मैं आ गई है शरण तुम्हारी औरत सतवंती मैं ओ आ गई है शरण तुम्हारी पुत्री मैं शेष नाग दी अबला कर लाती थी महाराज मैं शेष नाग दी लड़कियां अबला माने स्त्री अबला करनाती कौन मेघनाथ ओदी मैं स्त्री हैं अबला बैठा है विधि कहानी लंका बर्बादी दी मैं रावण दी महाराज नो है नाम प्रमीला मेरा कहंदे सरलोचन भी तुमरा मैं दर्शन करके आगी दुख मोचन भी मेरे महाराज दो ना है मेरा नाम प्रमीला भी है मैनू सरलोचना भी कहंदे बाकी मच्छी सम मरू तड़फ के आउंदी कड़ी चैन नहीं दुनिया दी नाश पूती वे दे ए नैन नहीं आ जिहड़ी दुनिया दी नाश पूती है पुरश दा उहने की देखना है पूती नहीं देखनी चाहुंदी तां नाश महाराज मेरा जहान मेरा सुख तो हमारे पति नाल सी मैं तो महाराज शीश मंगवाते थोड़े को आई हैं हमारे पति का सिर है वो मिल जाए मैं सतवंती है मैं सती हो जाऊं जो ये बात सुनाई थम हलगे भगवान ने या ऐसा महापाप आप युद्ध ना कर दे किड्डी सतवंती रामदला दे विच आई तो पूजा लहू भी निकली चक्की फिर दी मैं रंडी होगी मेरा पति मर गया शीश थोड़े को आ गया चलता है तुम्हारे भगवान ने क्या तुम्हारे युद्ध कर ले ये पता हुंदा बेटी भी तू ऐसी सतवंती साडे युद्ध करने करके तू रंडी हो जानी
मैं रावण को सीता चल लेता हाँ। असी जती के हाथ से तलवार ना फड़ाते लक्ष्मण मूर्छ आ गई थी, मर चुका सी, असी की बूटी मंगा के लेना सी। जे लक्ष्मण राजी करते तो मेघनाथ मरदा है। बेटी मैं कसकंधा 18,000 पदों बानर की सेना मोड़ के लै जाता, पर मैं तेन रड्डी नहीं करता सी बेटी। आंसू लगे गिरने कमल लैन दे, जिन्हों के कमलों के फुलों जैसे नेत्र है। सतवंती देख के भगवान के आंसू गिर रहे हैं, तो सरलोचना दिलासा देंगे है भी जे तेरा पति मर गया तू हमारे द्वारे पे आ गई, कह दे असी राजी कर देंगे। भगवान कहते देख सतवंती देख गए कभी रहे सब चंग दिल भरे हन जगत पति दा दुखा दे का बच पैन दे आंसू लगे गिरने का मन लैन दे सतवंत आग मारिया ऐसा महा पाप जाना नी उतारिया काली रैन दे कहते काली रैन दे आंसू लगे गिरने का मन लैन दे बन विच आए सी भगत तारने युद्ध विच लग पे बेपर मारने असी विच पै गए तो सूते रैन दे आंसू लगे गिरने का मन लैन दे आंसू बनखाया सी करण सर नू ओ करण सर नू ਐਵੇਂ ਬਹਿ ਗਏ ਉਸ ਨਾ ਵਧਾ ਕੇ ਵੈਰ ਨੂੰ ਲੱਗ ਕੰਨੂ ਵੱਡੇ ਰਾਵਣ ਦੀ ਪੈਣ ਦੇ ਆਸੂ ਲੱਗੇ ਗਿਰਨੇ ਕਮਲ ਨੈਣ ਦੇ ਜਾਨਕੀ ਲੰਕੇਸ਼ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦਾ ਛੋੜ ਕੇ ਕਪੀ ਕਸ ਕੰਧਾ ਚ ਪਚਾਉਂਦਾ ਮੋੜ ਕੇ ਓ ਤੂੰ ਤਾਂ ਨਾਲ ਵਸਦੀ ਅਮਨ ਚੈਨ ਦੇ ਜੀ ਅਮਨ ਚੈਨ ਦੇ ਆਸੂ ਲੱਗੇ ਗਿਰਨੇ ਕਾ ਮਨ ਨੈਣ ਦੇ ਜਤੀ ਦੇ ਫੜਾਉਂਦੇ ਤੇਗ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਮੇਗ ਨੂੰ ਰਤੀ ਨਾਲ ਪਾਦ ਤੇ ਵਿਛੋੜੇ ਮੈਨ ਦੇ ਆਸੂ ਲੱਗੇ ਗਿਰਨੇ ਕਾ ਮਨ ਨੈਣ ਦੇ ਜਾਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਐਤਨੀ ਵਧਾਈ ਨਾ ਐਤਨੀ ਵਧਾਈ ਨਾ ਮੈਂ ਵੀ ਛੱਡ ਜਾਮ ਦਾ ਸਰੀਰ ਪਾਈ ਨਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਲਿਖਿਆ ਰਮਾਇਣ ਦੇ ਆਸੂ ਲੱਗੇ ਗਿਰਨੇ ਕਾ ਮਨ ਨੈਣ ਦੇ ਕਵਿਤਾ ਬਣਾਈਏ ਕੋਰੜੇ ਤੇ ਬੈਤਨਾ ਰਾਮ ਦੀ ਕਥਾ ਦਾ ਜਾਣੋ ਫਲ ਐਤਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁੰਭ ਕਰੀਏ ਵਜੈਨ ਦੇ ਉਹ ਕਰੀਏ ਵਜੈਨ ਦੇ ਆਸੂ ਲੱਗੇ ਗਿਰਨੇ ਕਮਲ ਨੈਣ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਹਿਤਕਾਰੀ ਹੈ ਐਸਾ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਵਰਲਾਪ ਸਤੀ ਦਾ ਉਹ ਦਿਲ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ ਨੀ ਜਗਤ ਪਤੀ ਦਾ ਸਰਲੋਚਨਾ ਦਾ ਵਰਲਾਪ ਸੁਣ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਸਰੀਰ ਨੀ ਸਥਿਰ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਰਹੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਕਬ ਚ ਬਹਿਣ ਦੇ ਬੇਬੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਨਵਾਸ ਕੱਟਿਆ ਹੈ ਹੁਣ ਆ ਵੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਬ ਚ ਬਹਿਣ ਲਿਆ ਇਹ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਾਪ ਲੱਗੂ ਤੂੰ ਸਤਵੰਤੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਪਤੀ ਮਾਰਿਆ ऐसा महापाप जाना नी उतारिया ऐसी सतवंती दा सुहाग मारिया ओए भटकदी फिरूगी विच काली रहन दे आपदे पति नू तराने मार दी किथे नू नींद आउणी है भटकदी फिरू बेटी वन विच आए सी भगत तारन हमारा तां अवतार इस वास्ते सी भगतां नू तारना दुष्टां नू मारना इक मैनू इह वी ज्ञान आउंदा है कि मैं ब्रह्म हत्या भी कर चुका हां वन विच आए सी भगत तारने ਉਹ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਪਏ ਬੇਪਰ ਮਾਰਨੇ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਇਹ ਵੀ ਅਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਹੈ ਜਾਨਕੀ ਲੰਕੇਸ਼ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦਾ ਛੋੜ ਕੇ ਮੈਂ ਕਪੀ ਕਸਕੰਧਾ ਚ ਪਜਾਉਂਦਾ ਮੋੜ ਕੇ ਬੇਟੀ ਤੇਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਤਵੰਤੀ ਸਾਡੇ ਯੁੱਧ ਕਰਨੇ ਕਰਕੇ ਲੰਡੀ ਹੋ ਜਾਊ ਆਹ 18,000 ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਚ ਘੱਲ ਲੈਂਦਾ ਕਸਕੰਧਾ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਤੇ ਜਾਨਕੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਰ ਲੈਂਦਾ ਕਿੱਡੀ ਗੱਲ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਕਹੀ ਆਪਦੀ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸ਼ਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੀਤਾ ਹੀ ਰਾਵਣ ਕੋਈ ਜਰ ਲੈਂਦਾ ਮੈਂ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਸੀਤਾ ਜਿਦਾਉਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਪਤੀ ਮਰਦਾ ਤੇ ਗੰਢੀ ਹੁੰਦੀ ਬੇਟੀ ਤੈਨੂੰ ਰੰਡੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਸੀਤਾ ਹੀ ਰਾਵਣ ਕੋਈ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ ਹੱਥ ਜਿੰਨਾ ਜਤੀ ਦੇ ਫੜਾਉਂਦੇ ਤੇਗ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਮੇਘ ਨੂੰ ਉਹ ਰਤੀ ਨਾਲੋਂ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਵਿਛੋੜੇ ਮੈਨ ਦੇ ਇਹ ਮੇਘਨਾਥ ਮੈਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮ ਦੇਵਤਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਰਤੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਛੋੜਾ ਪਾਇਆ ਅਸੀਂ ਲਕਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਜਾਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਐਤਨੀ ਵਧਾਈ ਨਾ
मैं भी छड़ जांदा शरीर पाई ना एवें विच जांदा लिखिया रामायण दे। फिर मगरों भरा जनाया बई बेटा मैं जानी मैं तो भगवान ना शरीर छड़ जांदा सीता इत्थे छड़दा रामायण ही इत्थे ताईं बणदी पर तैनू रंडी नहीं करदा सी। कविता बनाइए कोरड़े ते बैठना राम दी कथा दा जानो फल ऐसना कई बारी कुंभ करिए अजैन दे। कई बारी अजैन दे कुंभ करके आइए तो राम दी जड़ी कथा है वह कई अजैन दे कुंभा नू पछां करन दी इत्थे बैठे नू कुंभ दे इशनान करान दी है। बेटी अच्छा जो पुछोगे ठीक है तू मैनू दस मैं आपदे प्रण तोड़ दिना है। मेरे प्रण ये सी कि ये जरा भविष्ण है इनू मैं लंकेश कह बैठा लंका पति भाई ते चलाने सी चमर में पिया दे वियोग विच सिरदी कल्प दी तू केतकी दे फुल तो विछोड़ता भंवर मैं। बेटी तू जिवें भंवर फुल तो विछड़ जांदा वैसे आपदे पति नाल विछड़ गई चल मूहो कह मैं तुम्हारा पति अमर कर दिया ये परन तोड़ दूं भी मैं लड़के बांदा ने कहा सी लड़े बिना नहीं जाना लंका बर्बाद करी बिना नहीं जाना मैं इन्हां नूं बरा लूं मैं मुड़ के ले गई आ लंकापति भविष्ण मैं बनाता इनू लंकेश जे भला के भगवान नूं कहिंदे महाराज थोड़े को राम थोड़े मसीब है फिर इन्हें लंकेश कहता तो उन्होंने राज लंका का पता नहीं लंकेश का भविष्ण में रखांगे। हमारे मती रावण हो नहीं सकता जे हो गया इसे मर्यादा मशोक सी मैं रावण आपका अयोध्या का राज मैं बन में फिरूँ बेटी ये मेरे पर्ण मैं तोड़ दिना मैं भविष्ण लंका का राजा नहीं बनाऊंगा मैं अयोध्या का बना देना है बानरां नूं लै जाना है पर तू कह भी मेरा पति अमर कर दे कर दिया तो जो बानर सी वो सारे सुख चा गए या गल होर बिगड़ गई सुन के बचने सा कपी सुख चा गए सारे अगे मसा मारिया सुआस आ गए नक में मेघ दे मरे तो मसा लगे सी डरन दैत अगे तो बहुत सारे आंदे हथी तक में लै जिना पछाह मुड़ दिल विच खोप रह जे रावण दे बागां दे फ्रूट खांदे डक में करता जे राजी मेघनाद नूं कुवाल सिंघा पर आमणे ना सूते असर बहुत चक में बन सारे सुख चा के भी यह नीति है यह राजी नहीं होना चाहिदा सी तां मसा मारिया ते जे राजी हो गया असीं कित्थे जित्तांगे ते साडा प्राण टुट जाऊ वो जिहड़ी सती सी उहने वेखी बानर इस गल कहे तो उदास हो गई। मैनूं भगवान ने कहा भी तेरा पति मैं सुरजीत करदा है ते बानर सारे मूँह दे विचों इन्हां दे उदासी शागी खुशी चकी गई इन्हां दे दिल च ये बात आई कि वह राजी नहीं होना चाहिदा तां सलोचना कहिंदी महाराज आज ले तेरे बानर है ये उदास हो गए बस राजी ना कराउंदी सीस लैना चाहुंदी मैं आपदे पति नूं राजी नहीं कराउंदी सुरजीत नहीं कराउंदी मैं तां सिरी लैना चाहुंदी है जे तू मैनू खुश करता मैं कल्ली खुश हो जाऊं मेरा पति जाने ते आ तुम्हारे जिहड़े बानर है ये करोड़ां दुखी हो जाणगे एक बंदा सुखी हुंदा करोड़ां नूं दुखी करदा उहदा सुख किसे काम नहीं है। सलोचना जवाब करदी राजी नहीं कराउंदी सीस लैना चाहुंदी महाराज मेरे पति दा तां सीस ही दे दिओ मैं नहीं तुहाडे कोल राजी करदी जवाब करदी है श्री रामचंद्र जी नूं देखा वाला कह सी निंद्रा भोगन भोग पै ए पशु पुरख समान नर ज्ञान निज आद गदा ज्ञान बिना पशु जंगान हो इन्हां दे दिलां दी सारी बात बुझली मेरी हुण स्वामी जी अवध पुजली ऐसा नहीं शूर म्यां दे दिल टाउंदी मैं राजी ना कराउंदी सीस लैना चाहुंदी मैं ओ मैनू कोई फिर जुण वाला लोभ ना पाप दी नदी च तू सानू डोबना ओ लोक छड पर लोक नू बुलाउंदी मैं पर लोक नू बुलाउंदी मैं राजी ना कराउंदी सीस लैना चाहुंदी मैं ओ करती जाए राजी कल्ली हो जू मैं सुखी कल्ली हो जू मैं सुखी बानर करोड़ा तेरे होंगे दुखी दस किवें ऐसा कहर कमाउंदी मैं राजी ना कराउंदी सीस लैना चाहुंदी मैं ओ लेके आए मस्त सुंदर जोड़ी नू कर दो अमर अगां जोड़ी नू गिर जाना थोड़े गीत गाउंदी मैं ओ थोड़े गीत गाउंदी मैं राजी ना कराउंदी सीस लैना चाहुंदी मैं महाराज मैं कल्ली खुश हो जू तेरे करोड़ा बानर दुखी हो जाणगे
बस मैं इन्हों के दुखी नहीं, इन्हों नहीं करती, मैनू कली कोई सुख नहीं, मैं संसार का सुख वेख लिया, मैनू कोई जो का लोभ नहीं, मेरे पति का तो मैनू सिर ही मिल जाए। तो बानर ने कुछ गर्मी मिली, बानर के महाराज असं यों पुछते हैं, ये कहती है भी मेरे पति का सिर तुम्हारे पास है, इनू किने दसिया भी हमारे पास सिर है, तेरे पास स्वामी ने कहानी सच्ची खोल दी, बन के जसूस आ गई तलां की खबर लैन, इनू पुछो भी किने चीज दसिया, बेटा मेरे सेनापति, मैं तो तेन कहता नहीं, पड़ा मेरे सेनापति अभिलाषा कर रहा है भी तू कहनी है मैनू सिर दे, हो इस तेरे पति दे सिर का तेन की पता लगे भी साढ़े को किमें आया। वाली महाराज वैसे पता लग्या, पूजा गिरी महल में जाकर उसने दसिया शीस बताकर, मेरे महल में मेरे पति दी आ जिहड़े मेरे पास बाह ये महल में गिरी, ये इसने लिख के दसिया भी मेरा सिर श्री रामचंद्र जी के दला में चलिया गया, पूजा तुम्हारे पास आ गई, तड़ फलानी जगह पई है, जे तू सती है उतो सिर लैके बाह जोड़ के सती हो जा। तो बानर कहते गलत बात, तेरे पास स्वामी ने कहानी सच्ची खोल दी, बन के जसूस आ गई दलां की खबर लैन, किसे ढंग नाल हो आपां नूं फरोल दी, ये तो मेरी समझ कोई रावण का जसूस इसरी अपने दलां की खबर लैन आई, आपां नूं फरोल दी है भी की करते हैं ये, जदों का यह कारोबार रचा तुसां ने स्वामी, अज ताई वेखी ना वड्डी वी पूजा बोल दी, ये परपक्क हुंदा वी वड्डी वी बाह जां अक्षर लिख दू जां बोल के दस दू, ये सानू का प्रतीत नहीं, अज ताई जदों दी तुसीं सृष्टि रचदे आए आ, आह कहानियां च नवीं सुनी है भी ये वड्डी बाह कहिंदी वड्डी बाह ने लिख के दस्से मेरे पति का सिर उत्ते आ, तां ये गलत बात है, जे वड्डी वी बाह बोल सकती है बानर कहिंदे फिर वड्डिया का सिर भी बोल सकता, जे सतवंती है असी सिर फेर देवे, यू मरिया सिर पढ़ ले हसा के या बुला के सू विखा दे, सू प्रपक्क हो जू भी सतवंती है, इन्हें बाहू भी दसिया तो फिर असी सिर देवे, नहीं सिर नहीं देंगे। तो भगवान कह लगे रघु राई फिर कहते सरलोचना मेरे सिपा सलार अभिलाष कर दे, बेटी मैं तो तेन एड्डी बात नहीं कहता भी एड्डी सतवंती का मैं परीक्षा करा जा आपकी सभा के मेरे सिपा सलार अभिलाष कर दे है, मैं तो चाहता नहीं तू सादा अंत लैना पूरी इन्हों के दिलों की आस कर दे, मैं तो तेरा कोई अंत नहीं लैंदा, ये मेरे सिपा सलारा की आस पूरी कर दे, रहिंदी दुनिया तक रहूगा जस मस्ता तिना लोगों के प्रकाश कर दे, होण लगा है इम्तिहान तेरा पति वरता दे धर्म नू पास कर दे, अज तेरा पति वरता धर्म का इम्तिहान है ये पास कर दे, सानू भी पता लग जू भी ये सती है सताली है। तो आलोचना कहती महाराज मैं ये तनी पाटी मार दी जा वड्याई मार दी मैं सा के विखा दू, पर मैं जे आपदे साधे उत्ते कायम है फिर तू त्रिलोकी नाथ है सारे दे दिलों की जानता है तो फिर किवें ना सिर असू लियाओ पड़ाओ। तो बानर ने लिया के सिर वड्या होया, मेघनाथ का चौंकड़ी मार के राम दला ने सरलोचना बैठ गई, आपदे पति का सिर लैके बुकल दे विच धन तराने शुरू कर दिया है पति दे, जे मेरी इतने बदनामी होगी रिछ बानर के फटकार मिलूगी, जे मैं आपके धर्म से कायम है तू दो कड़ी सी ये शीस के स्वास नहीं लिया सकता, आकाश मार्ग के पता अजय मेघनाथ की फिर सी सतवंती का सत रखने वास्ते वह वरलाप करती है, वरलाप के जरिए उस सतवंती आपके पति के स्वास खिंच के ते वो सिर के पाँदी है, सिर कह कह करके हसदा ते बानर दियां पुरीरां पैंदियां भजदे आ देखा भला कह सी राम दला जो लियाण के दीना सिर पकड़ाए, गोद बीच में तर लिया कथा सुनो मन लंगाए, आस पूरी कर दे चरण दासी दी मन में वसाली फोटो बनवासी दी, मन च वसाली फोटो बनवासी दी, ये गल सारी तेरे अख तार दी, ओ पिया नू वयोगन तराने मार दी, भगतां दी रक्षा कराउण वाले हो ओ कराउण वाले हो, तुसी चारा चार नू बनाउण वाले हो ओ बनाउण वाले हो, हाथ च कमान तुंड संसार दी
हथ च कमान थोड़े संसार भी पाती नू वयोगना तराने मार भी पाती नू वयोगना तराने मार भी उत्ते मैं गलत होई ना होई है गलत किते मिले कोई ना गलत कित मिले कोई ना जाम दी आवाज पत्थरा नु कर दी पिया नु वयोगन तराने मार दी पिया नु वयोगन तराने मार दी ऐसा चलिया जाना ना तेरे शिकार है ओ तेरे शिकार है बानरा रिछा तो मिलू फटकार है मिलू फटकार बुरी दशा हो जू दस में तू हार दी पाती नु वयोगन तराने मार दी पिया नु वयोगन तराने मार दी आके मेरे हुन कट जो कलेश नु तीस विच आके करो प्रवेश नु तीस विच आके करो प्रवेश नु तेरी यार दंगी मुख से पकार दी तेरी यार दंगी मुख से पकार दी पिया नु वयोगन तराने मार दी पाती नु वयोगन तराने मार दी शक्ति बड़ी सी लंका दे अधीश में लंका दे अधीश में खिच के सती ने श्वास पाले शीस में श्वास पाले शीस में तरा चो टूटी लड़िया सुतार दी पिया नु वयोगन तराने मार दी पाती नु वयोगन तराने मार दी देवत्या ने करी फुला दी वर्खा उठ खड़े शूर में तमाम डरखा उठ खड़े शूर में तमाम डर खा पदीर बंदरा दी डर दी पिया नु वयोगन तराने मार दी पाती नु वयोगन तराने मार दी गोद विच शीस लग पिया हसन जी लग पिया हसन जी कभी सारे लगे डर के नसन जी डर के नसन जी आई आवाज केरा जय जयकार दी पिया नु वयोगन तराने मार दी पाती नु वयोगन तराने मार दी कामदा रहेगा होमदा न मिस तू अकबाल सिंह ब्राह्मणा दा शिष्य तू अकबाल सिंह ब्राह्मणा दा शिष्य तू आउंदिया लजत तेरे प्रचार दी आउंदिया लजत तेरे प्रचार दी पिया नु वयोगन तराने मार दी पिया नु वयोगन तराने मार दी ये प्रार्थना करी महाराज इच्छा बानरा तो मैनू पड़ताल मिलू शक्ति बड़ी सी लंका दे अधीश में लंका पति सी मेघनाद पर रावण तो बाद रावण थोड़ा सी लंका पति मेघनाद अधीश कहंदे लंका के पति नू शक्ति बड़ी सी लंका दे अधीश में खिंच के सती ने श्वास वाले शीश में आपदे प्राण पति दे श्वास सास में फिरदे सी खिंच के शीश दे विच पाले कह कह करके मेघनाथ का सिर हत्या ते बानर डर के बच गए ये तो दोबारा राखी हो गया हुण किथे मरिया तां सलोचना आवाज मार दी है तुसी डर के को बच गए बस तुसी एडे ही शुरू में बह जाओ ये तो हमारे पति का मैं तुम तजर्बा विखाया भगवान ने विखाया मैं की विखाया है बैठ जाओ मैं तो इन्ना ही विखाना सी तां इस वास्ते भगवान ने कहा बेटी तू धन है ऐसी सतमंती वड्या होया सिर साडी सभा में असाया राजे दशरथ दे संग कुमार जांदे अच्छा बेटी हुण तैनू बेनती दी दे नाल असी सती करके आवांगे राम कहण दे तन है तन बेटी सतवंती दा करदे प्रचार जांदे बाली सुत सुग्रीव बजरंग जैसे विचोना दे भालू सरदार जांदे बाली सुतंग सुग्रीव जामावंत भालू सरदार रिछां दा राजा लक्ष्मण भगवान बेटी बेद दीदी दे नाल है जी सतवंती नूं असी तैनू सती करांगे बलोत चकली भूम तो बानरा ने सतवंती दा करदे प्रचार जांदे जगा वेखो त्रिवेणी दी छच कोई कभी आपदे दलां तो बाहर जांदे ऐसे नहीं सती करनी जिथे छच भूमि होवे त्रिवेणी दी जगह होवे समुद्र का किनारा होवे उथे सती करांगे जड़े रहम ते धर्म ते कायम मस्ता वह मज तो उन्हां दी नाल अवतार जांदे जड़े आपदे धर्म ते कायम रहिंदे है अवतार है जिहड़े त्रिलोकी नाथ है वह भी उन्हां दी मज ते मगर जांदे है तां समुद्र किनारे हाँ भी जिहड़ा वह लड़का हरवंश सिंह है अपने नंगल वाला वह भी आया होया सी इक कविता उस लई दो बोलनियां
वो आगा जे सुनदा होवे तां आ जावे, संगत बैठी है उन्हूं भी टाइम मिलू। तां सरलोचना ने समुद्र किनारे बह के, समुद्र किनारे बह के आप सरलोचना ने पिया का इशनान नाल प्रेम दे कराया है। कंधे नाल जोड़ी पूजा तल से लगाया सीस, फुलां दी विछा के छेजो दे उत्ते पाया है। बली बजरंग जैसे लंका नूं चलाते कभी, केवड़ा कस्तूरी नाल चंदन मंगाया है। मार के ते शाल सती चढ़ गई चिखा दे उत्ते, मेघ दा शरीर विच गोदी दे टकाया। समुद्र किनारे बह के आपदे पति देव दी लाश दा इशनान कराया, शीश दा इशनान कराया। ओ जिहड़ी बांह सी लहू दी लिबड़ी ओ धोती, सिर धड़ दे नाल सिर जोड़ता, कंधे दे नाल पूजा जोड़ती, फुल्लां दी छेज बना के सतपंथी ने आपदा पति उहदे उत्ते पाता। आप इशनान करिया, भगवान श्री रामचंद्र जी ने हनुमान नूं अंगद नूं दधी वल नूं कहा, भाई ये सतवंती है, आपा वेद विधि दे नाल सती करनी है, जाओ लंका में केवड़ा कस्तूरी चंदन केसरी इत्यादि जिहड़ियां वासना वालियां सुगंधी वालियां चीज़ां खोपा दी उह लियाओ, गऊआं का घ्यो लियाओ। उन्हां दा कोई उत्थे हुण गाइयां आपदियां तां बधियां नहीं सी, वह लुटमार कर लिया जी ने हट्टियां दे विचों चंदन चक लिया, केवड़ा कस्तूरी चक लिया। तां हुण सतवंती मार के शाल चिखा के उत्ते बह गई, लो महाराज मेरे पति का वजूद का पिंजरा इसे तरह फड़ा दो। बानर ने फड़ के मेघनाथ जी की लाश चौंकड़ी मार के सरलोचना चिखा से बह गई। वो आपका पति भुक्कर दे विच लै लिया, लैके चार फेरे बानर खड़े, बड़ी पीड़ हुई भी आह एक ज्योदी सड़ रही है। ऐसी सतवंती ऐसी बार गोवर्धन पर्व के उत्ते अगे भी तेनों दसिया कि उदों दियां सती हुंदियां लड़कियां, एक ऐसी लड़की सती हुई गोवर्धन पर्वत नाल है वृंदावन में 14 मील। वो लड़की का पति मर गया, उसने ये बात कही भी मैं सती हूँ, गवर्नमेंट के बंद ने पुलिस वालिया ने वो रोकी भी, ये रिवाज थी पुराना, ना वो जी कोई सतवंती हो सकती है, ना तू सती होने दे योग है, इस वास्ते नहीं होने देना असी जीवका आदमी हो। उस लड़की को फड़ के एक मकान में ताड़िया गया, उन्होंने जिंदा लाता। वो कड़ावे हमारा प्राण टुटदा है, मेरे पति की लाश ना जाओ, मैं दे नाल सती होना है, अखबार च भी उन्होंने गल कही। पर उसका पति शिशकार था, शिशकार के उन्होंने जमना चारता। दूसरे दिन कोई महात्मा गया, खमनी भगवान कृष्ण गए या शंकर गए, महात्मा ने वेख्या बेटी तू करा रही है। वो कहती महाराज मैंने जिंदा लाया, हमारा पति मैं तू बेवारा शिशकारिया गया, मैं सतवंती सी, मैं उहदे नाल सती होना सी। तो महात्मा ने बार खोलिया, ना बेटी जे तू सती होना है, वो जिथे सुहा पई है तेरे पति की उस दे उपर जाके बह जा, तू आपदा पति देव का आराधन करके आ मंत्र बोल, तेन आपदे आप अग्नि प्रचंड हो। वो लड़की वो जिथे वह पति शिकार है सुहा उत्ते आके बैठ गई, चौंकड़ी मार के एक साड़ी थी वो उपर, उसने आराधना करी, वो मंत्र बोलिया, तो आपदे आप अग्नि प्रचंड हो गए। कुछ दसिया शायद असी उत्थे वृंदावन सी, ये दूसरे असी वेखे अगले तीजे दिन की गल, सानू महात्मा ने आगे दसिया भी अग्नि हेठों लगी, ऐ नहीं भी अग्नि कपड़ा सार दे सतवंती का, उहदा शरीर नग्न कर दे, जितनी हेठों सड़े उतना कपड़ा सड़े, पिछले पासों सड़दी सड़े कपड़े तुरे आई। वह भजन बोलती रही, जो इतने अग्नि आ गई शरीर छट गई, तो उत्थे गवर्नमेंट ने इंदिरा गांधी भी आई, बड़ा उत्थे फंड इकट्ठा होई जांदा उस लड़की का मंदिर पाने वास्ते, साढ़े हुण कलयुग दे विच भी इक सती होई। सरलोचना ने आपदा पति दे फड़के चार छपेरे सारे बन रहा है, वो खड़े है सारे प्रणाम करी, परमात्मा का रूप है भगवान दे सिर चरनी नवाया, लो महाराज आप दे हत्थां दे नाल ही अग्नि प्रचंड कर दो, तुसी मैनू अग्नि लगाओ। भगवान ने सारे बन खड़े है आप दे हत्थां दे नाल अग्नि प्रचंड करदा है, चिखा मचदी है, लोगों को पासदी है कि सतवंती सड़दी है, वह तो लैके आप दे पति नूं वैकुंठ लोक में चली जाती है। सती सरलोचना का प्रसंग ऐसे चंद खत्म है, एक चिखा नूं अग लगदी है ते सती सड़दी है, देखा वाला करी नमस्ते राम बा जो पालत ब्रह्मंड, अखियत भगवान ने अखी आप भगवान ने करी अगन पर चंड, ओ कभी खाने देख ले तमाम बैठी ने सारे आनू करी पर नाम बैठी ने, तार मेरी बेच राम दे चरण जी लाडा लट लाड लग पी करण जी, ओ केवड़ा कस्तूरी छिड़क्या अग्न में
कठे हो गया के देवते गगन में। काबिया ना पार मार दी तारन जी, लाडा लाट लाड लग पी कारन जी। ओ शिव पार्वती आए न कलास तो, बारिशा फुला दी होम दिया कास तो। बदला समान लग पे वरन जी, ओ लग पे वरन जी, लाडा लाट लाड लग पी कारन जी। ओ बिरती जिन्ना ने दुनिया से बांध ली, ऋषि मुनिया ने पाई है शरांदली। लग पे नवा सुनैना जो पारन जी, लाडा लाड लाड लग पी कारन जी। ओ ये बात पीड़ दूर दूर तां, बानर खड़े जो काठ दिया मूरतां। नेमक समान लग पे कारन जी, लाडा लाड लाड लग पी कारन जी। ओ कई कहंदे होगी सती नू फूक दी, चार ही छपेरे है अगल शूक दी। देख के दे कोड़ा रोक दा यारन जी, लाडा लाड लाड लग पी कारन जी। ओ सतियां नू कालू कुछ कहंदी पावसै, भेजती बैकुंठ विच जोड़ी बावसै। ठंडी हवा चले बारन बारन जी, लाडा लाड लाड लग पी कारन जी। ओ भूत काल विच होइयां सी जो सतियां, आईया न आकाश में समेत पतिया। फिर हो जा मारन जी, लाडा लाड लाड लग पी कारन जी। ओ रलगी मस विच जाके पैना दे, कविया ने विच लिख तारा मैना दे। चाहिदा फिर हो जा मारन जी, लाडा लाड लाड लग पी कारन जी। ओ मंत्र रोजाना पढ़ो राम राम दा, अंत दे समय च मुक्ति कराम दा। हर वेले रहो राम दी शरण जी, लाडा लाड लाड लग पी कारन जी। कपी खड़े देख ले तमाम बैठी ने, ओ सारिया नु करी प्रणाम बैठी ने। तार ले रे राम दे चरण जी, अंत समय भगवान दे चरण हिरदे च तारन कर ले। सामा खूह खड़ा ना, ओ ता सुखने च नहीं आउंदा। मृत्यु का एडा डर है, गल प्राण वाला कहता जिम्मे 60,000 बिछू केरा डंग मारे। श्वास निकलने वेले इन्ना इन्ना उदो पीड़ लगती है, तो एक बिछू डंग मारे पत्थर का सैंकिया हो जाता। बिछुआ के डंग मारे पत्थर के, वह उगर के कट लेंगे तो सैंकिया है। वह आता 60,000 बिछू केरा ही डंग मारे, फिर वेख लो कि पीड़ा आँगी। अंत समय के इन्नी पीड़ होंगी है। तार ले रेदे च राम दे चरण जी, राम का ना उसे किथे। एक अजा मल ब्राह्मण होया, वो बड़ा बकर्मी सी, बड़ा वैली सी, विश्वास दी रखी सी, मां शाह वो खांदा सी। कुदे महात्मा कोई आ गए, वो कहंदा भाई इस नगरी में किसे साधु ब्राह्मण का कोई घर है? मैं रात कटनी, लोगों ने मशवरी करी भाई साधु का घर ब्राह्मण का, साढ़े एक बड़ा विद्वान, बड़ा तपस्वी, बड़ा कर्मकांडी ब्राह्मण है। तो जी महात्मा कहता उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है इजामिल, तू ओदे करे चले जा, बड़ी सौखी रात कटेगा। लोगों ने मशवरी करी भी जिहड़ा कोई दे दो रुपये खोल, इन्हू कुट के घेर दू। वो महात्मा चले गए, जो आवाज मारी ये शरीर के तिने युग वरते रहते, कित तमोगुणी हो जाता, कित सतोगुणी हो जाता, कित रजोगुणी हो जाता, कित कल युग आ जाता, कित सत युग आ जाता, कित त्रेता, कित द्वापर। ਉਹਦਾ ਕਿਤੇ ਚਿੱਤ ਖੁਸ਼ੀ ਸ਼ਾਂਤੀ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ। ਉਹ ਬਈ ਅਜਾਮਲ ਸੀ ਮਹਾਤਮਾ, ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਕੱਟਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਹਦਾ ਆ ਜਾਓ ਮਹਾਰਾਜ, ਬਾਹਰ ਖੋਲਤਾ ਦੋ ਹੀ ਮੰਜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ। ਇੱਕ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਉਹ ਵੇਸ਼ਵਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੈ ਗਏ, ਇੱਕ ਮੰਜਾ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀ, ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅਜਾਮਲ ਤੁਹਾਰੇ ਕੋਈ ਲੜਕਾ ਹੈ? ਉਹ ਆਹਦਾ ਜੀ ਲੜਕਾ ਖੋਈ ਦੇ ਮੇਰੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਰੇ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਹੋਵੇਗਾ उसका नाम राम नारायण रखी। बहुत अच्छा महाराज, महात्मा चले गए, लड़का पैदा होगा उसका।